पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किससे लगते हैं? म्यांमार से। और बांग्लादेश से लग रहा है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वहीं पर हम चीन से देखें तो चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब भूटान तो देश है ना भाई, चीन से तो लगेगा वो, लेकिन वो कैसा लगे, अपना अपना थोड़ी क्या भूटान, हम तो अपने देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे पाकिस्तान से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने पिछली कक्षाओं में बताया। लेकिन अब आप यहां पर ये ध्यान रखो बेटा कि जो दक्षिण भारतीय राज्य है, जैसे दक्षिण और पश्चिम भारतीय, पूर्व भारतीय, देखो पश्चिम में गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र पश्चिम में आ रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को हम किस में मानते हैं, पश्चिम पूर्व में मानते हैं। फिर आपका क्या हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब राज्य क्या है, ये दक्षिण में मानते हैं, हम इस तरह से मानते हैं। और उसके ऊपर वाले राज्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, जो पंजाब, ये सब क्या है, उत्तर भारतीय राज्यों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ओके। सर तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ? हाँ, तेलंगाना बेटा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना, परंतु अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि पहले ही जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, हाँ, पर अब उसे तोड़कर ये लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी, ये यूनियन टेरिटरी है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी, तो ये बना दिया गया, जिसके कारण क्या हो गया है, आपको ये ध्यान रखना है कि इनके कारण अब आपका राज्य जो है वो क्या बन गया, कितने हो गए, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये आपको ध्यान, और कोई प्रश्न पूछ लो, ठीक है, अभी और भी चीजें समझा देता हूं मैं आपको।